अनुग्रह से दया से भरा हुआ परमेश्वर अपनी करुणा प्रेम को दिखाते हुए हम पर आपकी तरस को भी दिखाते हुए एक और नए दिन हमारे जीवन प्रदान करते हुए हम सबको परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने जीवितों की गिनती में रखा है। धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं परमेश्वर, यह केवल आपकी कृपा से हुआ है, आपके अनुग्रह से हुआ परमेश्वर। कई सारे लोग प्रभु जी आज के दिन इस अद्भुत घड़ी को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बाहर की क्लेश और मुसीबत विपत्ति और महामारी प्रभु जी जड़बड़ाए दुर्घटनाएं बीमारियां रोग प्रभु कितने लोग इस संसार से प्रभु जी दूर कर चुके हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हम सब इन सारे खतरों से मुसीबतों से दूर रखा है। हमें परमेश्वर अपने तंदुरुस्ती पर हाथ से छुआ है। हमारे चारों ओर आपके स्वर्गदूतों को तैनात करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान करते हुए आपकी तंदुरुस्ती भरी हाथ से हमें छूते हुए सारे खतरों से सारी मुसीबतों से हर प्रकार की आफत से हमें बचा रखा है। इसके लिए प्रभु हम आपको शुक्र अदा करते हैं। उन जरूरतमंदों को याद करते हैं, मुसीबत में फंसे लोगों को याद करते हैं, तकलीफ से गुजर रहे लोगों को याद करते हैं प्रभु जी, महामारी के शिकार हुए लोगों को याद करते हैं, कोविड के कारण परमेश्वर जितने भी परेशान है प्रभु जी, पीड़ित है, बीमारों का बिस्तर पकड़े हुए अस्पताल में है प्रभु, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आपकी सुरक्षा भरी हाथ उनके ऊपर रखिए, आपकी तंदुरुस्ती भर हाथ उनके ऊपर रखकर परमेश्वर तुरंत उनको चंगाई देने के लिए दुआ करते हैं। जल प्रलय के कारण प्रभु जी कितने ही लोग प्रभु जी बेघर हो चुके हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। बाढ़ को प्रभु जी पढ़ाई को तुरंत रोकने के लिए दुआ करते हैं, महामारी को रोकने के लिए दुआ करते हैं, बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए दुआ करते हैं। जिस तरह के प्रभु जी सुविधाएं सौभाग्य परमेश्वर आपने हम सबको प्रदान की हैं, वैसे सौला प्रभु जी सभी को प्रदान करने के लिए दुआ करते हुए हमारी प्रार्थना को आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए और बहुत धन्यवाद करते हुए आगे के ध्यान में प्रभु जी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पूर्ण लेकर हमसे बातें करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। शेष भाग आप ही के हाथों में लेकर आते हुए खुद को दीन और नम्र करते हुए आपका नाम को ऊंचा उठाते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के विभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम एक और प्यार भरा जय मसीह के कहते हुए हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीते हुए कुछ दिनों से हमारी अध्ययन अध्ययन की बगीचा में चल रही है। अध्ययन की बगीचे में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब के बारे में हम लोग गौर करते आ रहे हैं। आज कुछ ऐसी बातों को ध्यान करेंगे जहाँ मनुष्य की गलती के कारण 35 से परिवर्तन को आए हैं और भी अधिक से परिवर्तन है, लेकिन हमारे ध्यान के लिए कुछ ही भागों का हमारी सूची बनाकर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप पवित्र शास्त्र को ठीक से समझ पाए और साथ ही साथ परमेश्वर के उद्देश्य को भी ठीक से समझ पाए। क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था, लेकिन क्या नहीं हुआ है, इन सारी बातों को हम लोग ध्यान करते जाएंगे। आइए मेरे साथ एक एक शब्द को गौर करते रहिए, ध्यान से इन्हें सुनते रहिए। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके पहले वचन में देखते हैं, सर्प आकर हवा से बातें करने लगता है और हवा से पूछने लगता है कि परमेश्वर ने जो बातें तुम्हें सिखाई हैं और परमेश्वर ने जो बातें तुम्हें बताई हैं वे सब किस हद तक सच हैं। सर्प किस प्रश्न के उत्तर में हवा सारी बातें बताने लगती हैं, सब कुछ बता देती हैं, जो कुछ परमेश्वर ने उनसे कहा है वो सारी बातें बता देती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, सर्प की बातों को मान लेती हैं। इसका अर्थ यह होता है कि आदम और हवा ने परमेश्वर को अपने शिक्षक के रूप में अपने साथी के रूप में छोड़कर परमेश्वर को ठुकरा कर सर्प को अपना साथी बना लिया है, सर्प की बातों को मानने लगे हैं, सर्प भी उनका शिक्षक बन चुका है। दूसरी बात जब देखते हैं जिन चीज़ों को परमेश्वर ने निषेध किया था उन्हीं चीज़ों के पास चले जाते हैं, भलाई परमेश्वर उनको भर कर दिया था, बुराई को परमेश्वर ने उनसे दूर रखा था, उन्हें के पास जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके पास इतनी अच्छी सोच थी, इतनी अच्छी क्षमता थी, ये अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने दिखाया है उनका निर्णय क्या है, उनके विचार क्या है, उनकी सोच क्या है और उनकी पसंद क्या है। उनका पसंद है वही फल जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था और उनकी रुचि और अभिरुचि भी उसी में दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपने निर्णय को बता दिया है कि इस फल को हम लोग खाएंगे, इसका ज्ञान हम लोग प्राप्त करेंगे, परमेश्वर आपके समान हो जाएंगे, हमारी ज्ञान बढ़ जाएगी और हमारी ताकत भी आपके समान हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने निर्णय किया है और उस निर्णय को फल खाने के रूप में उन्होंने परमेश्वर के सामने बता दिया था। तब क्या हो गया है, आदम और हवा परमेश्वर से दूर हो गए हैं और सर्प के करीब पहुंच गए हैं। सर्प उन्हें कितना करीब रख सकता है, सर्प केवल उन्हें भरमा सकता है, उन्हें धोखे में रख सकता है। जो बुरी इच्छा है, जो बुरी लालसा है, शैतान जो पूरा करना चाहता पूरी नहीं कर पाता, इसलिए सर्प के भीतर प्रवेश किया, एक काम को पूरा कर लेता है। मनुष्य के भीतर भी उसे प्रवेश मिल चुका है, अब मनुष्य के जीवन से हर प्रकार की बुरी काम को कराना चाहता है। परमेश्वर जिसे घृणा करते हैं वही सारे काम शैतान मनुष्य के माध्यम से कराना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, आदम हवा परमेश्वर की दैविक और पवित्र गुण को पवित्र दर्शन को खोया है, अभी उनका नजरिया बदल चुका है, अब जो कुछ भी देखते हैं खराबी देखते हैं, यहाँ तक कि वे अपने आप को इससे पहले कभी दिगंबर नहीं देखे थे, आज दिगंबर देख पड़ते हैं,
बैठे इसलिए आपस में ला जाकर जो पहले काम उन्होंने किया है, अपनी प्रतिभा को दिखाने का जो काम किया है, उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों को काटा है, उससे लंगोट बनाकर अपने तन को ढकने के लिए अपनी लाज को ढकने की कोशिश किया है। इससे पहले मनुष्य के पास अच्छा ज्ञान था, अभी उनके पास बुरा ज्ञान पहुंच चुका है। अब वो परमेश्वर से दूर होना शुरू कर दिए हैं, परमेश्वर से छिपना आरंभ कर दिए हैं। और जब परमेश्वर से धन के बगीचे में आते हैं, उस समय परमेश्वर की आवाज को सुनकर वे पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। उनका निर्णय यह है कि परमेश्वर इसके आगे हम कभी आपके सामने नहीं आएंगे। कारण तो यह था कि वे परमेश्वर से डर चुके थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा निर्णय यह है कि परमेश्वर आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लगी हैं, हमें सर्प की बातें, शैतान की बातें अच्छी लगी हैं, इसलिए परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं। आदम और हवा ने जो गलती की है, उस गलती के कारण अपनी परमेश्वर की समानता वो लोग खो गए हैं। आज परमेश्वर की समानता में नहीं है, आज परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। जो सनातन का जीवन परमेश्वर ने, अनंत काल का जीवन, कभी न खत्म होने वाली असीमित जीवन परमेश्वर ने जो उन्हें प्रदान किया था, उसको उन्होंने घटाकर कुछ ही शतकों में लेकर आया। उसके बाद उसे घटाकर आज मनुष्य केवल कुछ ही दशक जीता है। एक तंदुरुस्ती भरा हुआ इंसान, एक सेहतमंद इंसान 10 दशक तक जी लेता है, 9 दशक तक जी लेता है। कुछ लोग 8 दशक तक अपनी जिंदगी को चला पाते हैं, कुछ लोग 7 में ही रुक जाते हैं, कुछ लोग 6 में रुक जाते हैं, और कुछ लोग 5 में रुक जाते हैं। आज दुनिया में ऐसा हो चुका है, 4 दशक के बाद में इंसान बूढ़ा होने लगता है, अपना जीवन खत्म करने लगता है। एक असीमित जीवन, अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया था, उसे घटा घटा कर 4 दशकों के बीच में लेकर आ गए हैं। ना तो उस दिन आदम को एहसास हुआ था, और ना ही आज मनुष्य को एहसास होता है। मनुष्य आज भी पाप करते जाता है, परमेश्वर से दूर होते जाता है, अपनी जिंदगी को घटाते जाता है। उसके बाद क्या होता है? उस एक फल के परिणाम के स्वरूप उनका शरीर का तत्व बदल गया है, उनकी जिंदगी का तत्व बदल चुका है, उनका मन, उनका सोच बदल चुका है। कभी नाश ना होने वाला मनुष्य आज विनाश की ओर जाने लगता है। अध्ययन की वाटिका में इतने सारे वृक्ष थे, और उन सबसे महत्वपूर्ण था जीवन का वृक्ष, लेकिन मनुष्य उससे दूर हो चुका है, उसके करीब अभी जा नहीं सकता है, और मनुष्य भी अध्ययन की बगीचे से भी दूर हो चुका है। इन दोनों के भीतर ऐसे खराब गुण पैदा हो चुके हैं, एक दूसरे के पर दोष लगाना शुरू करते हैं। आदम तो इस हद तक चला जाता है, परमेश्वर के विरोध में शिकायत करने लगता है, जिस तरीके तूने मेरे लिए दिया था उसी स्त्री के कारण सब कुछ हो चुका है। दोष सारा परमेश्वर पे लगाने लगा है। हवा तो अपने दोष पूरा सर्प के ऊपर लगाने लगी है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? परमेश्वर ने बताया कि किस तरह से तुम्हारे निर्णय के कारण धरती अपने स्वभाव को बदल चुकी है। अभी धरती कांटे और ऊंट कटारे उगाया करती है। आज धरती का नियम और निर्णय हो चुका है, जब तक मनुष्य प्रयास नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, जब तक अपने पसीने को नहीं दिखाएगा, तब तक मैं उसको फसल नहीं दूंगी। इतनी आजादी के साथ में, इतनी स्वतंत्रता के साथ में उस बगीचे में चलने वाले आदम और हवा परमेश्वर के तुल्य होकर परमेश्वर की समानता में स्वरूप में रहने वाले। आज मनुष्य इस तरह से अध्ययन की बगीचे से दूर होने लगता है। इन्हीं के कारण से स्वर्गदूतों को नीचे उतराना पड़ा, करूबों को नीचे उतराना पड़ा, और परमेश्वर को उस अध्ययन की बगीचे की रखवाली करने के लिए ऐसे तलवारों को नीचे उतारना पड़ा है जो चारों ओर घूमने वाले ज्वाला में तलवार है। करूब तो वैसे ही खड़े हैं, अब तलवारें भी खड़ी हैं। इसका अर्थ यह होता है, अगर आदम ने कभी कोशिश किया है, हवा ने कभी कोशिश किया कि अध्ययन की बगीचे के भीतर जाए, तो जो ज्वाला में तलवार वहां पर घूमती है, उसी आदम के ऊपर, हवा के ऊपर गिर पड़ेंगे। उन तलवारों का तत्व यह है, उनका स्वभाव यह है, और उनकी जिम्मेदारी यह है, जहां कहीं भी आदम और हवा दिखाई पड़े, अगर उनको लगता है कि आदम और हवा पूर्व की दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं, उत्तर की दिशा में या दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में वो मनुष्य घूमने लगता है, उस दिशा में ये तलवारें भी घूमने लगती हैं, तो इसी कारण से मनुष्य जाकर भी अध्ययन की बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसे पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है, उसको दूर कर दिया गया है। आदम हवा ने पाप को उनके भीतर प्रवेश करने का, पाप के वेतन के रूप में मृत्यु उनके ऊपर काबू पाने के लिए अधिकार दे दिया है, उन्होंने मौका दिया है, और जिसके कारण से परमेश्वर की जो प्रणाली है, परमेश्वर की जो योजना है, और आशीर्वाद के रूप में परमेश्वर ने यह कहा है, तुम फलो फूलो सारे पृथ्वी को धरती से भर दो, शैतान इसका में बाधा डालने में कामयाब हो जाता है, मनुष्य के भीतर मृत्यु को लेकर आता है। शैतान की कोशिश यह है कि मनुष्य को आरंभ में ही मार दिया जाए, ताकि इसके बाद में कोई और संतान ना बने। अगर आदम और हवा उसी दिन बिना बच्चों के घर मर गए होते हैं, तो परमेश्वर को फिर से एक बार किसी और दंपति को बनाना पड़ता, शैतान फिर से वही कोशिश करता। जितनी कोशिश परमेश्वर करते हुए जाते हैं, उनके विरोध में शैतान भी उतनी सारी कोशिशें करता जाता है। इन सभी चीज़ों के बाद में मनुष्य में ऐसी चीज़ें प्रवेश कर चुकी हैं जो रोग, संघर्ष, समस्याएं, विपत्तियां, दर्द, पीड़ाएं, झगड़ा, लड़ाई, मतभेद, ईर्ष्या, गुस्सा, मूर्खता और ना बदलने वाले स्वभाव के साथ में हिंसात्मक बनकर
हत्यारा बनकर इत्यादि चीजों के साथ में मनुष्य अपने भीतर कई सारी चीजों को जगा दिया है। आज मनुष्य के जीवन में इतनी सारी बुराइयां हैं वे गिनती के परे हैं। नो के समय जब देखते हैं परमेश्वर ने कहा है मनुष्य का पाप स्वर्ग तक पहुंच चुका है। परमेश्वर ने जब झांक कर देखा है कोई ऐसा मनुष्य नजर नहीं आ रहा था, कोई ऐसी भलाई वहां पर नजर नहीं आ रही थी। इतने बुरे काम वे करने लगे थे, इतने गलत और घिनौने काम करने लगे थे कि परमेश्वर के जल प्रलय के साथ में सारी धरती को खत्म करना पड़ा। उनमें से परमेश्वर ने सिर्फ एक ही नीतिमान व्यक्ति को, एक ही धर्मी व्यक्ति को, नो को चुनते हैं। नो के कारण उनके परिवार को भी चुनते हैं और आगे की आबादी को परमेश्वर के जरिए बनाते हैं। शैतान इस हद तक कामयाब हो चुका था, धरती के ऊपर जितने मनुष्य लोग थे उनके अंदर दुष्टता से भर दे, और वो चाहता था कि सभी लोगों को मार दे, सभी लोगों को खत्म किया जाए, परमेश्वर को क्रोध उनके ऊपर भड़क जाए, परमेश्वर के क्रोध में वे सब लोग नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर को एक नोह मिला था, नोह के कारण उनके परिवार भी मिला था, जिनसे परमेश्वर ने फिर से एक बार आबादी को आगे बढ़ाया है। आदम और हवा को शैतान खत्म करना चाहता था, सफल नहीं हो पाया है। नोह को खत्म करना चाहता था, उसके परिवार को खत्म करना चाहता था, उसमें भी सफल नहीं हो पाया है। इन सब के साथ में मनुष्य अपनी प्रभुता करने की सामर्थ को खोज चुका है, और आदम और हवा ने दोनों ने मिलकर शैतान के हाथों में संसार को रख दिया है। अब से आदम और हवा प्रभुता नहीं करते हैं, शैतान प्रभुता करता है। वचन में जो गौर करते हुए देखते हैं, आदम और हवा को ऐसे दिन प्रभुता करता हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। वे अपने संघर्ष में गए थे, अपनी लालसों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और परमेश्वर के विरोध में चलने के लिए हद में प्रयत्न कर रहे थे, तो प्रभुता करने का तो कोई बात ही नहीं रही है। एक फल के कारण आदम और हवा ने सारे संसार को शैतान के हाथ में दे दिया है। हम इसके बाद एक उदाहरण को एसाव के जीवन में देखते हैं। एसाव को बहुत भूख लगी थी, शिकार करके आया था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। उस समय याकूब खाना बना रहे थे, याकूब से कहा है मुझे खाना दे देना। याकूब एसाव से कहता है तेरा जो पहला टका अधिकार है वो मुझे दे दे और इसके बाद मैं खाना दे दूंगा। एसाव कहता है इस पहलौटे के अधिकार को मैं रखकर क्या करूंगा, तू ही ले ले, आज से तू ही बड़ा है, मैं छोटा हूँ। इस बात को कहते हुए ऐसा वो एक वक्त के भोजन के लिए अपने पहलौटे के अधिकार को दाव पर लगा देता है। शैतान अभी सारा राज्य को अपने अधीन में कर लिया है। इतना सब होने के बाद परमेश्वर आदम हवा से बातें करते हैं, सर्प से भी बातें करते हैं। सर्प को परमेश्वर ने कहा है अब से लेकर तो अपने पेट के बल पर रेंगा करेगा। इसका मतलब यह है सर्प के जो हाथ पैर थे परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया है, और यही कारण है कभी हम सांप को देखते हैं बिना हाथ पर के हम लोग देखते हैं अपने पेट के बल रेंगता हुआ और अपने जिंदगी भर मिट्टी को खाता हुआ देखते हैं। हवा से परमेश्वर ने कहा है संतान प्राप्ति का जो तेरे वरदान है उसमें थोड़ी सी बाधाएं बढ़ गई हैं, दर्द बढ़ चुका है, प्रसव की पीड़ा तेरी अधिक हो जाएंगे, उसके बाद ही तुम मां बन सकती हैं। हवा को इतना दर्द तो मिला है, लेकिन इसके साथ में एक और दर्द भी मिला है, हवा का एक और नुकसान भी हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तीसरे अध्याय के 16 वचन में देखते हैं, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। वैसे तो परमेश्वर ने जब देखा आदम का अकेले रहना उचित नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उनका साथी को बनाया था, लेकिन अभी हवा उनके साथी की जगह को खो गई है, समानता की जगह को खो गई है। जो काम उन्होंने किया है उसके परिणाम के रूप में अभी समानता को खो गई है। पुरुष के प्रति अब स्त्री की लालसा बढ़ जाती है और पुरुष उसके ऊपर प्रभुता करने लगता है। यही कारण हम संसार में देखते हैं सारे पुरुष स्त्रियों के ऊपर प्रभुता करने लगते हैं, अधिकार को जताने लगते हैं, उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना, उन्हें मारना और हिंसात्मक रूप में उनके विरोध में पेश आते हैं। इन्हीं बातों को हम सारे संसार में देखते हैं, और आगे क्या होता है, सारा संसार वैसे शैतान के हाथ में चला गया है। ये बात को यीशु मसीह ने भी कहा है, ये संसार का अधिकारी आ रहा है, उसके साथ मेरा कोई मेल नहीं है। अंत में परमेश्वर ने आदम और हवा को अधीन के बगीचे से हटा दिया है, लेकिन अधीन के बगीचे से निकालते समय परमेश्वर ने एक और बार उनको करना दिखाकर अपने प्रेम और तरस दिखाते हुए अंजीर के पत्तों से उन्हें जो लंगोट बनाया था उसे हटाकर परमेश्वर ने चमड़े का अंगरखा बनाकर उन्हें अधीन के बगीचे से बाहर करते हैं। कल भी हमने ध्यान किया था परमेश्वर को क्रोध क्षण भर के लिए रहता है, लेकिन उनकी जो दया है, उनका जो प्रेम है वो हमेशा के लिए रहता है। मनुष्य की एक गलती के कारण परमेश्वर के संसार में आना पड़ा है। वैसे परमेश्वर की जरूरत नहीं थी आने की, लेकिन मनुष्य जो काम किया था उस काम के बदले परमेश्वर को इस संसार में उतर आना, पाप के ऊपर जय प्राप्त करना, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करना, और जो राज जो अधिकार शैतान ने मनुष्य से छीन लिया था उसे वापस मनुष्य को दे। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह को देह रूपियों के संसार में आना पड़ा और अपने आप को सलीब के ऊपर कुर्बान करना पड़ा है। यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द वापस आ रहा हूँ और वापस आकर मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊंगा, और इसके बाद जो प्रभुता तुमने खोई है वो सारी प्रभुता
वापस कर दूंगा और जो कुछ भी तुमने खोया है, सनातन की चीजें, सनातन के आशीर्वाद, वे सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहा हमारे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों, हमारे वर्तमान जीवन की और एक बार दृष्टि को करें। आज इस महामारी के कारण से जिस पीड़ा से मानव जाति गुजर रही है, शैतान की प्रणाली है, शैतान की योजना है, सारे मानव जाति को खत्म कर दें। जो काम उसने दिन के बगीचे में आरंभ किया था और नूह के समय से पूरा करता हुआ देखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने नूह को और उनके परिवार को बचाकर वहां से अपने प्रणाली को फिर से आगे बढ़ाया। मिस्र देश में मूसा के जन्म के दौरान शैतान ने कोशिश किया था सारे पुरुषों को खत्म कर दें। यीशु मसीह के जन्म के दौरान भी सारे बच्चों को खत्म करते हुए आगे की पीढ़ी को ना बढ़ाने की चेष्टा की थी। कई बार मनुष्य के ऊपर हमला हुआ है, आरंभ से देखते हैं, अदन के बगीचे से देखते हैं, मनुष्य के जीवन के ऊपर हमला होता आ रहा है। आज हमारे आसपास के जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन के चारों जो कुछ भी हो रहा है, जो दवाएं हम लोग खाते हैं, जो चिकित्सक हम लोग प्राप्त करते हैं, इन सब में शैतान की एक चाल है, शैतान की एक धोखा है। वो कोशिश करता है मनुष्य को किसी न किसी रूप से बीमार कर दे, वो कोशिश करता है मनुष्य को किसी न किसी तरह से तबाह कर दे। और यही कारण है हमारे संसार में आज देखते हैं एक वायरस के रूप में मृत्यु किस प्रकार से मनुष्य की पर छा गया है, हर एक घर में प्रवेश कर चुका है। संसार में ऐसे कोई जगह उसने नहीं छोड़ा है जहाँ पर प्रवेश नहीं किया है। इसके आगे और क्या होने वाला है, मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से तबाह करने की कोशिश करता है। वो हमेशा अपनी कोशिशों में रहता है, लेकिन परमेश्वर भी अपनी कोशिश में रहते हैं। परमेश्वर जो हमारी रखवाली करते हैं, हमारी जो देखभाल करते हैं, सोते नहीं हैं, ऊँगते नहीं हैं, वो कभी छोड़ते नहीं हैं, त्यागते नहीं हैं, ठुकराते नहीं हैं, कभी हमें भूलते नहीं हैं। अपने हथेलों में हमें खोद कर हमारे स्वरूप को, हमारे चेहरे को अपने सामने देखते हुए परमेश्वर निरंतर हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारे ख्याल रखते हैं। इतना भला परमेश्वर, इतना अच्छा परमेश्वर आपको और मुझे मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, उनके पुत्र के आगमन की बाट जोते हुए अपने आप को सिद्ध करेंगे। अदन के बगीचे में जो कुछ भी हुआ था, उनमें से कोई हमारे जीवन से ना हो, एक अच्छे निर्णय को लेते हैं, एक सही निर्णय को लेंगे परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए, परमेश्वर के संग चलने के लिए अपने आप को सिद्ध करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनोखा प्रेम के साथ में हमें तृप्त किया परमेश्वर, हम एक और बार आपका शुक्र अदा करते हैं। आदर सम्मान महिमा गौरव हम आपको देते हैं। आज के ध्यान से परमेश्वर कई सारी बातों का आपने हमसे बातें की हैं। प्रभु जी आदम और हव्वा ने जिस तरह की गलतियों को किया है और हमारी आंखों के सामने प्रभु जी आपके पवित्र शास्त्र में भी कैसे उदाहरण है परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए प्रभु एक सबक के रूप में रखा है, उन्हें देखते हुए हम उनमें से ऐसी गलतियों में ना गिरें, ऐसे के अपराध हम लोग ना करें, अपने आप को बचाने, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरने के लिए दुआ करते हैं। आपकी आत्मा में, आपकी सहायता में, आपकी अगुवाई में हमें चलाने के लिए दुआ करते हैं। वचन सुन रहे हमारे सारे परिश्रोतों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर की सारी आवश्यकताओं को पूरी करें। स्वर्ग के भंडारों को खोलकर उन्हें तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, हम लोग फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने के लिए हमें जीवित और तंदुरुस्त संभाल कर रखिए। अगर हमारे मिलने से पहले आपकी पुत्र के आगमन बादलों के पर संभव होगी तो स्वर्ग राज में एक दूसरे को देखने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। हमारी दुआओं को आपने सुना है, हमें उत्तर भी दे, इसके लिए धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा भरी कवच में रखें, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए अनुग्रह से, करुणा से, दया से भरा हुआ वो परमेश्वर आपको निरंतर अपनी प्रणाली में संभालते हुए, आपके करीब रहते हुए आपको जीवन का आनंद प्रदान करें। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए सुनाते।